नमस्कार, आईबीएन 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयल सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। ये रोहतक का पोश इलाका है। इस साइड जो है तस्वीरों में दिखा दूं मैं आपको, उड्डा कॉम्प्लेक्स है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्म आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्म में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया था। आप तस्वीरों में जो दुकानदार हैं, ये इनकी दुकानें हैं। यहाँ पर पानी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 3 फीट से ज्यादा पानी यहाँ पर फिलहाल है। और आगे की तरफ अगर उस तरफ थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो वो देख रहे हैं, आपको बच्चे आते दिखाई दे रहे हैं, वहां पानी जो है 5 फुट बताया जा रहा है कि 5 फुट तक पानी वहां पर है। 5 फुट पानी का मतलब है कि जो शहर है वो डूबा हुआ है, शहर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। लेकिन फिलहाल तक शासन का, प्रशासन का, नगर निगम का कोई भी आदमी यहाँ शहर वासियों की सुध लेने के लिए नहीं आया है। हमने पूरे शहर को देखा, सुप्रा चौक पर देखिए 3 फीट तक 4 फीट तक पानी भरा है। शीला बाईपास की बात करें वहां भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। और ये तस्वीर हम आपको यहाँ उद्धार कॉम्प्लेक्स से शांतमयी चौक से दिखा रहे हैं। आग लग चुकी है के अंदर, आप नोट करें कितना नुकसान हो गया। नुकसान हो रहा है 70-80 हजार रुपए का भाई, 70-80 हजार रुपए का एक दुकानदार का। हाँ जी, कितने दुकानों में नुकसान हो रहा अलग भगे। 70 हजार का नुकसान है, 4 दुकानें हैं। 4 दुकानें। अच्छा, प्रशासन से क्या उम्मीद करते हो, क्या गुहार लगाओगे? प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं हमें, क्योंकि वो टाइम पर नहीं पहुंचे। अच्छा, नहीं आए टाइम पे? नहीं आए। अच्छा, यह आग कैसे लगी? सरकार को ये आग पावर सप्लाई के उनसे लगी है। अच्छा, उस पावर सप्लाई वाले को हमने बहुत फोन किया, वो नहीं पहुंचे। अच्छा, टाइम पर नहीं आए। अगर वो टाइम पे पहुंच जाते तो ये आग नहीं लगती। अच्छा, ठीक है ना। तो कितनी दुकानों में नुकसान है? ये 70-80 हजार का। 4 दुकानों में 70-80 हजार का, एक दुकान में नुकसान। एक दुकान में 70-80 हजार का नुकसान है। अच्छा, आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, पानी जो है 3 से 4 फीट तक यहाँ पर है। हुड्डा कॉम्प्लेक्स पालिका बाजार जो है वो आप यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ लोग आ रहे हैं। जूम करके मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए पानी 4 फुट तक आगे भरा है, बताया जा रहा है 4 से 5 फुट। एक बार दिखाइए। हाँ, बताइए। हम बताएंगे कितना नुकसान है भाई साहब। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। कोई प्रशासन, कोई सरकार टाइम पर नहीं पहुंच पाए। बिजली बोर्ड वालों को फोन किया आग लगने से पहले, वो भी टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर ब्रिगेड को हमने बुलाया। अच्छा, वो भी टाइम पर नहीं पहुंचे, वो भी 1 घंटा लेट आए। 1 घंटा लेट फायर ब्रिगेड वाले। हाँ, अच्छा, उसकी वजह से आग ज्यादा बढ़ गई और ये आग लग के ये पुस्तर खराब हो चुका है। अच्छा, ये खराब हो गया, पूरी एरिया में बिजली नहीं है। पूरी एरिया में बिजली नहीं है, सब अपने अस्त-व्यस्त हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, आपकी दुकान में ये जो टूर ट्रेवल वाली थी, 1, 2, 3, 4। अच्छा, चारों दुकान बूथ तक हमारी दुकानें है, सब तहस नहस हो चुकी है और कोई प्रशासन ने की मदद। सरकार से क्या चाहते हो, क्या उम्मीद कर रहे हो? कोई सरकार हो भाई, यहाँ का पानी खत्म नहीं होता। अच्छा, रेलवा रोड लगा लो, किला रोड लगा लो, यहाँ का पानी, कोई सरकार आ जाओ, यहाँ का पानी खत्म नहीं होता। कोई सी सरकार आ जाओ, कोई सरकार आओ, इतनी सरकार चाली, जगह पानी नहीं खत्म होता। कितने साल से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो आपने चौटाला की सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी, कोई है नहीं देखी भाई। जगह पानी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ का पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या समस्या है? ये समस्या बताएंगे। सीवर बंद है, सीवर बंद है, सीवर की वजह से पानी नहीं आ रहा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं 4 फीट के करीब करीब पानी भर है। दोबारा बारिश शुरू होगी, आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में, दोबारा बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई है। एक बार जो बारिश हुई थी उसका पानी नहीं निकला था और दोबारा बारिश फिर से यहाँ पर शुरू हो गई। पूरे शहर में जो है बारिश ही बारिश है, पानी ही पानी से लबालब जो पूरा शहर। आप इस तरफ दिखाइए, दुकानों में पानी भर गया, आप इस तरफ दिखाइए, तस्वीरें देख रहे होंगे आप सामने, दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, लगभग मार्केट बंद है। ट्रैक्टर को देखे, ट्रैक्टर को देखो कितना पानी, ट्रैक्टर कितना पानी शहर के चारों तरफ, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं रोहतक, छोटूराम चौक,
कम होना चाहिए भाई साहब, पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा पानी कम होना चाहिए। लोगों को अपील रहेगी वीडियो को शेयर करते रहे, तस्वीरें आप IBN 24 पर रोज तक से देख रहे हैं। तस्वीरें आप रेलवे रोड की देख रहे हैं। इस रेलवे रोड पर आज से लगभग 1.5 महीना पहले अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जो दुकानों के अंदर जाने वाली सीढ़ियां थे, रैंप थे, उनको तोड़ा गया था। ये कह के कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा है। और दुकानदारों का तर्क जो था वो ये था कि दुकानों के अंदर एंट्री करने के लिए जब बारिश में पानी भर जाता तो हमें इन सीढ़ियों की जरूरत है, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और सारी सीढ़ियां जो है वो तोड़ दी। अब तस्वीरें आप उसी रेलवे रोड से देख रहे हैं कि दुकानों के अंदर पानी घुसने को, थोड़ा आगे की तरफ मैं दिखाऊंगा, इस साइड दिखाऊं, दुकान के अंदर पानी घुसने को, दुकान के अंदर पानी घुसने से बचाया जा रहा है। इस तरफ दिखाओ, दुकान के अंदर जो पानी लगभग घुसने को है और बचाने के लिए लोग जो है वो लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब बाइक देखो एक बार आप, बाइक पानी में कितनी चली गई। आगे पानी जो है 4 से 5 फीट बताया जा रहा है, यहाँ पर 2.5 से 3 फीट पानी है। दुकान दिखाओ, देखो दुकान। और उस दौरान ये कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि पानी नहीं घुसेगा दुकानों में जब मानसून आएगा, लेकिन पहली बारिश ने जो प्रशासन के दावे थे उनकी पोल खोल दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी 2 फीट से 3 फीट पानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंदर से आप पानी देखो, अंदर से पानी निकलते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और जिस दौरान जहां पर यहाँ से अतिक्रमण हटा रहे थे ना, सीढ़ियां तोड़ रहे थे, दुकानदार कह रहे थे कि सीढ़ियां मत तोड़ो, दुकान में जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत है, तो प्रशासन ने कहा कि ये तो अतिक्रमण कर रखे, लेकिन ये पानी है। प्रशासन आया आपके पास पानी निकालने के लिए, पानी का मोटर चालू है, मैंने उसको पकड़ा, उसका पूछा भाई गाड़ी वाले को, हाँ भाई ये मोटर किसने ले रखा है, बस वो धमकी देके चले गए। अच्छा, पानी निकालने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, उसके अंदर अक्सर बैठा, पर ये साहब फोन से बैठे हैं, ये साहब से बात करवाओ, उन्होंने एक जना और बैठा था, इनका पीछे हटो पीछे हटो, गाड़ी ले निगम के या डीसी कोई आया, निगम हरियाणा सरकार की गाड़ी थी। अच्छा, हरियाणा सरकार की गाड़ी थी, निगम के लोग आए थे यहाँ तोड़ने के लिए, तो आ जाते हो फटाफट, तो आप तोड़ने वाले नहीं है, पानी निकाले तो पानी निकालो। हाँ, तो ना कोई पानी निकालने वाला है और ना कोई सुनने वाला है आपके फिलहाल। कोई अपन क्या कर सकता है, कितने साल हो गए, 100 साल से इसी जगह हमारा मकान है। अच्छा, ये टाइल है जो है पानी बारिश की वजह से उखड़ गई, ये सारी पानी की वजह से टूटी, ये जो पसंद नहीं आ रही है पानी की वजह से। तस्वीरों में आप ये दुकान देख रहे हैं, दुकान के अंदर पानी घुसा हुआ, सारी टाइलें जो है उखड़ गई हैं। अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, दुकान के अंदर ही आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दुकान के अंदर पानी कितना 2.5 से 3 फीट भरा हुआ, ये देखिए, ये उस साइड से आया, 2.5 से 3 फीट जो पानी है वो दुकान के अंदर भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पूरा जो दुकान है, रेलवे रोड की दुकान है ये, और पूरी दुकान में 2.5 से 3 फीट पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है, सुनने वाला इनकी कोई है नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फीट पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ, दुकान के अंदर का दृश्य है ये, दुकान के अंदर का, और इनकी सुनने के लिए अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, ना शहर की जो सरकार है, निगम के अधिकारी है, विपक्ष के विधायक है, शहर से जो सांसद है वो इनकी सुनने के लिए नहीं आया, लेकिन दुकान के अंदर 2.5 से 3 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। क्या आप, नुकसान कितना हुआ होगा, नुकसान का तो कुछ कह नहीं सकते अभी, फिर भी अंदाजा कुछ क्या कह सकते हैं, नुकसान का कुछ कह नहीं सकते, 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का कम से कम है, वो भी आकलन तो अभी तो पानी में सामान पड़ा ही है। अच्छा, अभी तो क्या पता, फिलहाल ये है कि 1.5 लाख रुपए का तो नुकसान है ये, बाकी सारा सामान जो हो पानी में डूबा पड़ा है, फिलहाल कोई आकलन नहीं लगा सकते। शहर की सरकार, शहर का प्रशासन, मेयर साहब, निगम के अधिकारी, DC, SP, विधायक, सांसद कहाँ है, लोगों की सुनने के लिए आप नहीं आए। जिस दौरान इसको तोड़ा जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि मत तोड़ो, हमें दुकानों के अंदर जाने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन उस टाइम आपने नहीं सुनी इनकी। अब दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा पानी तो निकाल दो, पानी निकालने के लिए नहीं, सुनने के लिए आप लोग यहाँ नहीं आ रहे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, ये डिमांड करते हैं कि अंदर का हमारा पानी निकाला जाए कम से कम, ताकि हम अपना बचाव तो करें कुछ। अंदर तो कितना पानी हो, कितने फीट होगा, 2 फुट तो पानी अभी भी है, जब तो हम काफी निकाल चुके हैं। अच्छा, 2 फीट पानी तब है जब निकाल चुके हैं, बाल्टियों से लगातार जो है पानी निकाल रहे हैं, उसके बावजूद 2 फीट से ज्यादा पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। तस्वीरें आप इसी रेलवे रोड से देख रहे हैं, और आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करते रहे। साठ में बाढ़ आई जब इतना पानी नहीं था भाई। हाँ जी, जब 60 में बाढ़ आई तो इतना पानी नहीं था, बस ये स्कूटर खड़े यहीं तक पानी था, ऐसा बाढ़। अच्छा, 1960 की बाढ़ में इतना पानी नहीं था जितना पानी आज बता रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं 1995 में तो बहुत ज्यादा पानी था। हाँ हाँ 1995 में यहाँ पूरे 6 फुट पानी था। 1995 की बाढ़ में पानी ज्यादा था, लेकिन इस वक्त कोई बाढ़ नहीं है, इस वक्त तो एक बारिश है। जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ जी, ये इस शहर में निकासी का प्रबंध नहीं हुआ है। यहाँ 1901 में बाढ़ आई, 1923 में बाढ़ आई, 1934 में बाढ़ आई, 1960 में बाढ़ आई, 1995 में बाढ़ आई। बजट बहुत आता है लेकिन निकासी का प्रॉपरली प्रबंध नहीं हो पाता है। ये कटोरानुमा शेप है, इसके ऊपर आगे समय तक समस्या का ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक राय जो है दुकानदार ने दी है, पानी तस्वीरों में देख सकते हैं, राय भी आप लोगों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी दुकानों के अंदर घुस गया, 2.5-3 फीट तक जो पानी है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आप ये आप देख सकते हैं, पानी ही पानी दुकानों के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हर दुकान में पानी ही पानी है।